नोटबंदी के फैसले को लेकर आरबीआई के नए गवर्नर उर्जित पटेल ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन की निशाने पर आ गए हैं। कॉन्फेडरेशन ने उर्जित पटेल के इस फैसले को तंग और तबाह करने वाला फैसला करार दिया है। साथ ही उन्होंने पटेल के इस्तीफे की मांग भी की है। कॉन्फेडरेशन देश के सरकारी, सहकारी और दूसरे बैंकों के करीब 2.5 लाख अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके वाइस प्रेसिडेंट डी थॉमस फ्रांको ने कहा है कि उर्जित पटेल को पिछले 12 दिनों में 11 बैंक अधिकारियों की मौत की नैतिक जवाबदेही लेते हुए अपने पद को छोड़ देना चाहिए। फ्रांको ने अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या वित्त मंत्री अरुण जेटली कोई अर्थशास्त्री नहीं है। अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर असर डालने वाले सही फैसले लेने के लिए रिजर्व बैंक में अर्थशास्त्री हैं। मौजूदा गवर्नर अपने पद पर पूरी तरह फेल साबित हुए हैं, जिन्होंने बिना किसी योजना के इतना महत्वपूर्ण आर्थिक फैसला लिया जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था और ज्यादातर लोगों की जिंदगी में तबाही मची है। आरबीआई के नए गवर्नर उर्जित पटेल ने इसी साल सितंबर में अपना कार्यभार संभाला है, लेकिन कुछ वक्त में ही उनकी नीतियां और फैसले सवालों के घेरे में आ गए हैं और इतने अल्पकाल में ही उनके इस्तीफे की मांग उठने लगी है। देखते रहिए डीबी लाइव।